हेलो फ्रेंड्स, जीपीसी अलवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर आधारित हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि एन विभिन्न वस्तुओं से कितने वृत्तीय क्रमचे बनाए जा सकते हैं। इनको बोलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो होते हैं एन विभिन्न वस्तुओं से टोटल एन माइनस वन फैक्टोरियल परम्यूटेशन हम बना सकते हैं। कौन सी परम्यूटेशन बोलते हैं उसको? सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दो देखो। पांच व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? भाई गोल मेज है, गोल मेज है, तो कुल मिला क्या बात क्या रह गई हमारी कि सर्कुलर परम्यूटेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि गोल मेज के चारों ओर किस प्रकार से बैठ सकते हैं, कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। पांच व्यक्ति हमारे पास, वो एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए जो क्या आएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है, पांच माइनस वन फैक्टोरियल कर देंगे। पांच माइनस वन फैक्टोरियल, ये कितना आएगा? चार फैक्टोरियल। और चार फैक्टोरियल कैसे खोलते हैं? चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक। तो गुणा करो कितना आ रहा, चार तीन बारह, बारह दुनी चौबीस। चौबीस आंसर देखो किसमें, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर यहां तक? तो कर देंगे आसानी से। पांच व्यक्ति गोल, एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? पांच माइनस वन फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन देखो। मैथ्स एम ए टी एच एस शब्द के अक्षरों से बनने वाले विभिन्न शब्दों की संख्या होगी। देखो बच्चों, ये मैथ्स है, तो इसमें टोटल कितने जो अक्षर है, अल्फाबेट है, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, और पांच अक्षरों से टोटल कितने बन जाते हैं अन्य अक्षर? टोटल कितने अक्षर बनेंगे? पांच फैक्टोरियल बनते हैं। कितने बनते हैं उससे? पांच फैक्टोरियल। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ भी ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर चार आता है। एनसीआर बराबर है क्या? एनसीआर बराबर है, तो एन सी आर किसके बराबर होता है? इसका क्या फॉर्मूला होता है कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, ये दोनों वैल्यूज हमेशा क्या आती है? बराबर आती है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देखो बच्चों। एन सी आर का सूत्र है, एन सी आर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? ऊपर आता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर छह देखो। सिक्स पी टू बराबर है, सिक्स पी टू, ये बात कर रहे हैं परम्यूटेशन की। तो एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन पी एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन के मान कितने यहाँ पर देखो? छह, छह अपॉन चार माइनस दो फैक्टोरियल, छह माइनस दो कितना आ गया? ये सरल कर लोगे तो ये आ जाएगा छ फैक्टोरियल अपॉन चार फैक्टोरियल। तो ये कितने आ गए अपने? छ फैक्टोरियल अपॉन चार फैक्टोरियल। इसको सरल कर लेंगे ना इसे, छ फैक्टोरियल तो क्या होता है? छ गुणा चार फैक्टोरियल, छ गुणा पांच गुणा चार फैक्टोरियल अपॉन चार फैक्टोरियल। चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल कट गया, तो छ पंजा तीस। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्लियर यहां तक? तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन, छह क्वेश्चन थे यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव थे, किसके ऊपर? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो बच्चों, मैं आपको एक बेसिक जानकारी और दे देता हूँ कि फैक्टोरियल क्या होता है। क्लियर? तो मैं इनको मिटा रहा हूं, इनको आपने नोट भी कर लिया होगा। देखो, एक आते हैं यहाँ एन फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं एन फैक्टोरियल, एफ ए सी टी ओ आर आई। क्या पढ़ते हैं इसको? एन फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आती है कि एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये कहाँ तक जाएगा? डॉट डॉट करें तीन दो एक। क्लियर? जैसे कि हमें ज्ञात करना हो जैसे कि पांच फैक्टोरियल है, पांच फैक्टोरियल कैसे ज्ञात करते हैं? पांच पाँच माइनस एक, पाँच माइनस दो, पाँच माइनस तीन,
पांच माइनस चार, और पांच माइनस पांच तक तो जाएगा नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, पांच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू वन, देखो ये आ रहा कि नहीं आ रहा, तीन दो एक। तो इनको क्या कर लो आप, गुणा करो, कितना आएगा, पाँच चौक बीस, बीस या साठ, साठ इंटू टू कितने करेंगे, 120 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 120। क्लियर यहाँ तक? तो ये होता है एन फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हैं इसको, एन फैक्टोरियल, एफ ए सी टी ओ आर आई ए। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं एन फैक्टोरियल को, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट करके तीन दो एक तक ही जाएगा। और पांच फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे याद करते हैं, जो भी हमने बेसिक एग्जाम्पल यहाँ दिया है, आप अन्य क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तो हमारा था टॉपिक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। क्लियर? थैंक यू।